प्रूफ ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशंस। पहला प्रूफ s इज इक्वल टू vt, हम ये सारी इक्वेशन को प्रूफ करने जा रहे हैं बाय ग्राफिकल मेथड, ग्राफ से करेंगे। हम अगले लेक्चर में फिर से प्रूफ करेंगे बाय कैलकुलस मेथड। ग्राफिकल मेथड नाइन्थ क्लास में भी करवाए जाते हैं, कैलकुलस मेथड प्लस वन में आएगा और ये पेपर में जरूर आएगा, क्योंकि अगर पेपर में इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ करने आएगी तो टीचर आपको कैलकुलस मेथड देगा, क्योंकि उसको कैलकुलस चेक करवाना है, ठीक है। पर ये भी करना पड़ेगा, यू नेवर नो कल को यही आ गया तो क्या करोगे। तो सबसे पहले s इज इक्वल टू vt प्रूव करना है। s इज इक्वल टू vt के लिए वही डायग्राम बनाओ जो मैंने बनाया था कि बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी, सॉरी s इक्वल टू vt कब लगता है, जब वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो इनिशियल वेलोसिटी भी है v और फाइनल भी v है, टाइम 0 से लेके t है, कोऑर्डिनेट x1 से x2 है। हमने इसका ग्राफ प्लॉट किया था, पहला ग्राफ आज का यही था, ये रहा x1, ये रहा x2 और वो 0 एंड t, सेम ग्राफ है जो प्लॉट किया, कर लिया प्लॉट। अब ये बताओ इसकी स्लोप क्या होगी, xt ग्राफ की स्लोप हमें क्या देती है, वेलोसिटी। तो क्या होगी वेलोसिटी, स्लोप बोलो क्या होगी, x2 minus x1 divided by t2 minus t1। x2 minus x1 क्या है, s, t1 0 है, t2 t है, तो t2 minus t1 क्या है, t, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, s is equal to vt, डन। क्लियर है यहां तक, ये पहली इक्वेशन ऑफ मोशन है। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन ग्राफिकल मेथड से v is equal to u plus at। अब ये एग्जाम्पल चेंज करो, पहले एग्जाम्पल में कोऑर्डिनेट्स गिवन थे x1 x2 और वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, अब वेलोसिटी का खेल है, तो इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल v, टाइम 0 से t, डिस्प्लेसमेंट s। तो इस बार xt ग्राफ प्लॉट नहीं करना, vt करना है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमने प्लॉट किया था, वही ग्राफ यूज करना है कि ये u है, ये v है, ये t है और सब कुछ सेम है। बस ये बता दो कि vt ग्राफ की स्लोप आपको क्या देगी, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होगी, टैन थीटा, क्या, v माइनस यू डिवाइडेड बाय t, तो v माइनस यू डिवाइडेड बाय t। अब t अगर राइट पे जाएगा तो प्रूव हो जाएगा v इज इक्वल टू u प्लस at, सिंपल। एक में xt ग्राफ की स्लोप, एक में vt ग्राफ की स्लोप। तीसरी इक्वेशन ऑफ मोशन है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ग्राफ नया नहीं बनाना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना जो ऊपर यूज किया था, सेम ग्राफ है, ग्राफ नए नए नहीं है, ग्राफ वही है। तो ये आपने vt ग्राफ लिया, वही u, वही v, सब कुछ सेम, क्योंकि इस बार s निकालना है, s फॉर डिस्प्लेसमेंट है। vt ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलती है, बाय कैलकुलेटिंग दी एरिया। हम इसका एरिया निकाल दें, इस ग्राफ का एरिया, ये पूरे नीचे का एरिया होगा, इस पूरे एरिया को कैसे कैलकुलेट करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल, रेक्टेंगल प्लस ट्राइंगल। ये ध्यान से देखना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, ये क्या है u, ये क्या है t, तो रेक्टेंगल का एरिया ut, तो s इज इक्वल टू ut प्लस ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू बेस, बेस कितना है t और हाइट कितनी है bbc, तो हाफ इंटू t इंटू bc। क्या ये स्टेप क्लियर है? आप सोच रहे होंगे bc की वैल्यू क्यों नहीं पुट की, जबकि bc की वैल्यू तो पता ही है v माइनस यू है, इसलिए नहीं की क्योंकि रिजल्ट में मुझे v माइनस यू चाहिए ही नहीं। तो यहां तक ये स्टेप क्लियर है। अब ये बताओ इस ग्राफ को देखते हुए कि अगर मैं ये पूछूं कि इसकी स्लोप क्या देगी आपको, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन होगी क्या, बीसी डिवाइडेड बाय टी, बीसी डिवाइडेड बाय टी, तो बीसी की वैल्यू क्या आएगी, एटी। इस बीसी की वैल्यू को यहां पुट कर दें, पुट करें तो क्या आएगा, हाफ इंटू एटी स्क्वायर। क्लियर है यहां तक? तो आप चेक करें, जब आप यहां पर पुट करेंगे तो हाफ इंटू एटी स्क्वायर, तो ये क्वेश्चन भी क्लियर है, राइट? ठीक है, प्रूव करना है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड। बिल्कुल बिल्कुल, प्रूव करने को आते हैं। तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर टू ए एस को प्रूव करना है। प्रूव करने के लिए कुछ नहीं करना, वापस से इसी ग्राफ को रेफर करना है, सेम वी टी ग्राफ आपने लिखना है। इस सेम वी टी ग्राफ में, क्योंकि v square minus u square 2as में s आ रहा है, displacement आ रही है, तो displacement कैसे निकलेगी, area under vt graph, फिर से area निकालें, इस बार area of rectangle and triangle ना निकालें, इस बार पूरा trapezium का निकाल दें। तो area of trapezium कितना है बोलो, half into this side plus this side, sum of parallel side, तो ये u है, ये v है, तो क्या आएगा, u plus v, u plus v इंटू, इंटू क्या, ए सी, इंटू
ए सी, ये स्टेप क्लियर। कोई कहता है ए सी तो टी है, टी पुट कर दो, नहीं कर सकता क्योंकि प्रूफ क्या करना है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर टू ए एस, टाइम तो चाहिए ही नहीं, तो मत पुट करो इसको, बी सी पुट कर लो। एक बात बताओ, एक्सेलरेशन क्या होती है, स्लोप। एक्सेलरेशन क्या लिख सकते हैं, बी सी डिवाइडेड बाई ए सी चलेगा, बी सी बाई ए सी, राइट। अब ये बताओ कि ए सी की वैल्यू क्या बनेगी, बी सी डिवाइडेड बाई ए, क्लियर है। लेकिन बी सी किसके इक्वल है, वी माइनस यू डिवाइडेड बाई ए, सही है, क्लियर है यहां तक, ठीक है। तो स्लोप एक्सेलरेशन बी सी बाई ए सी, तो इसमें ए सी की वैल्यू बी सी बाई ए, बी सी इज वी माइनस यू, इस ए सी की वैल्यू को उठा के यहां पुट कर दें, तो क्या आ रहा है आपके पास, एस इज इक्वल टू हाफ इंटू यू प्लस वी इंटू, बोलो क्या आएगा इसमें, वी माइनस यू डिवाइडेड बाय ए, वी माइनस यू इंटू वी प्लस यू, क्या बनेगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, टू ए इधर चला गया तो क्या बन गया, टू ए एस। तो ये मैंने यहां किया हुआ है, ये रहा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम लिया हुआ है, एक्सेलरेशन लिखी हुई है बी सी बाई ए सी, ए सी इज बी सी बाई ए, बी सी क्या है, वी माइनस यू, ए सी की जगह वी माइनस यू बाई ए, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपके पास इसका आंसर आ गया।